अपने बचपने से यहाँ से खाना खा रहे हैं। तो आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये लोग आपको काफी टाइम से बहुत ही अच्छा जायका दे रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से ये आपको अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके फादर, फादर के फादर भी इसी काम को अंजाम दे रहे थे, एक अच्छा खाना आप तक पहुँचा रहे थे। तो खैर मैं बता दूँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहगंज चौक पर, और जिस होटल में मैं मौजूद हूँ ये लगभग 90 साल पुराना होटल है। 90 साल से लगातार आपको एक अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी जो स्पेशलिटी है वो है नहारी। बाकी यहाँ पर आएंगे आप, आपको यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो यूजली घरों में बनाई जाती है, जैसे कि आलू की कतली, आलू अंडा, आलू गोश्त, कीमा, भेजा, कलेजी, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। फिलहाल हम शुरू करते हैं वीडियो को यहाँ के ऑनर से मिलवाकर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ के ऑनर से मिलवाती हूँ, उसके बाद हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नासिर खान है। नासिर खान है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी पुराना होटल है, भी सर से बात करते हैं कि कितना टाइम पुराना होटल है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने बड़ों से सुना है और मेरे जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि मेरे दादा ने भी इसी जगह यही काम करा, मेरे वालिद ने भी यही काम करा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यही काम कर रहा हूँ। और हमने ये सुना है कि यहाँ पे इस जगह पे एक आने की रोटी और तीन आने का सालन बिका है। आप अंदाज़ा लगा लिए कि एक आना और तीन आना कब कब चलता था। देखिए, आने जो हैं वो हम लोगों ने सुने हैं, यहाँ तक कि जो हमारे फादर हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी सुना है कि कभी आने भी चला करते थे। और ये मेरे बुजुर्ग बार आ गए और इनसे पूछ लीजिए कि ये होटल कितना पुराना जी। बिक अब्बा जी हैं हमारे साथ में। अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। बताइए आप कब से खा रहे हैं यहाँ पर खाना। यहाँ 50-60 साल हो गया। अभी उधर देखिए आप, अभी अब्बा जी ने बताया कि ये अपने बचपने से यहाँ से खाना खा रहे हैं। और आप माशाल्लाह उम्र देख लीजिए अब्बा जी की, कितनी उम्र हो गई है। तो 80 साल की उम्र है, अपने बचपने से यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुराना होटल रहा होगा ये। तो चलिए खैर मैं सबसे पहले इनकी नहारी दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ की सारी चीजें दिखाऊंगी। और देखिए माशाल्लाह देग भी काफी बड़ी है, आपको शायद कैमरे में नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन माशाल्लाह काफी बड़ी देग है। ये देखें, पीस देखें। और मैंने नहारी की वीडियो बहुत जगह बनाई है, आपको अच्छे से बताया कि सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है वो नहारी की है, लेकिन ये तरीका इनका कुछ अलग है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ पर ये नहारी ऑलरेडी पक चुकी है, उसके बाद ये इधर आती है और इधर कंटिन्यू इस तरह से ये फ्राई होती रहती है। इसको ये लोग फ्राई करके रखते हैं और इसी के अंदर ये नहारी की ग्रेवी शिफ्ट करते रहते हैं। और ये है नईम भाई, सब कुछ इन्हीं के अंडर में रहता है। ऐसे ही है भाई, बोलो जिंदाबाद। जिंदाबाद। 76 साल तो मुझे हो गए। 73 साल? हाँ। उससे भी पहले का होटल है? हाँ, बहुत पहले का है। तो आपने नहारी यहाँ से खाने शुरू की थी, खाना खाना शुरू किया था। हाँ। कितने रुपए का मिलता था ये? इस वक्त तो मिलता था ये 1 रुपए में एक नहारी भी और रोटी भी मिलती थी। माशाल्लाह, 1 रुपए में नहारी भी रोटी भी। हाँ। चलिए शुक्रिया। हाँ, बहुत बढ़िया करके दिखता है यहाँ पे, माशाल्लाह आज भी ऐसा ही है। देखिए ये है नहारी की रौनक, नहारी का खूबसूरती करी, और इस खूबसूरती के अंदर है सारे खजाना। ये देखिए, ये है बड़े बड़े पीस, अदले के पीस होते हैं, बोंग के पीस होते हैं। ये देखिए, ये है अदले का पीस, सॉरी बोंग का पीस है, बोंग का पीस। और ये है नली, ये देखिए, ये भी अदले का पीस है। और इधर आ गई है नली, ये देखें आप, ये देखिए माशाल्लाह। और इधर है ये नहारी फ्राई हो रही है, ये देखिए माशाल्लाह। और देख लीजिए, ये है सर्दियों की शान पाया। ओहो, ये देखिए, सर्दी में जो सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला खाना है वो पाया ही होता है, माशाल्लाह। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। तो ये है कलेजी और खीरी, देखिए ये है आलू अंडा, ये है बटे, कढ़ाई गोश्त जो शायद ही कहीं कहीं कमी कहीं मिलता है। ये हमारे यहाँ का आलू गोश्त है, ये आलू कीमा है, ये सब्जी है जी, आलू की सब्जी, आलू की कतलियाँ, चिकन कौरमा, ये दाल है। माशाल्लाह 12 से 15 डिशेज आपको यहाँ पर मिलेंगी। और अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगी कि जो खाने हम लोग घर पर बनाते हैं
वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। आलू गोश्त बहुत कम आपको बाहर मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा। और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है चीज़, वो है अपना कढ़ाई गोश्त। ये है यहाँ के ओनर के साहबजादे, क्या नाम है आपका, उधर देखकर बताओ। अध्ययन खान। अध्ययन खान, स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? केजी। केजी में, माशाल्लाह। अभी कहाँ जा रहे हो आप रेडी होकर? सन्नो पप्पू के घर। जिंदाबाद, बोलो जिंदाबाद। जिंदाबाद। ये निकाली जा रही है अपने लिए नहारी, ये है बोंग का पीस, शानदार सा पीस माशाल्लाह। देखिए ये होती है नहारी की जान, इसकी सॉफ्टनेस देखिए, गोश्त की और इसकी क्वालिटी देखिए, बिल्कुल एकदम पिंक गोश्त होता है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि गोश्त का कलर ही बता देता है उसका जायका क्या है। ये देखिए माशाल्लाह पिंक गोश्त है जी जी जी। वो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह से नहारी पकने के बाद और कंटिन्यू इधर फ्राई होती रहती है, ये तरीका कुछ यूनिक है। ये गई नली और ये आ गई इसके ऊपर तरी माशाल्लाह। और ये गया मसाला, स्पेशल चुटकी सर, स्पेशल चुटकी माशाल्लाह। ये देखिए क्या शानदार सा प्लेट बना है माशाल्लाह। अगर देख लीजिए इसकी खूबसूरती, देख लीजिए इसकी खूबसूरती देख कर ही आपको इसके जायके का अंदाज़ा लग जाएगा। सबसे पहले इसमें डालते हैं थोड़ा नींबू, क्योंकि मैं हमेशा बता दी नींबू के बिना नहारी का जायका पूरा नहीं हो पाता। चलिए अभी बनाते हैं एक बढ़िया सा बाइट। ये देखें, ये देखिए आप सॉफ्टनेस देखिए आप, ज़रा गोश्त की ये कलर देखिए आप पीस का, ये देखें कितनी सॉफ्ट है, ये देखें माशाल्लाह। ये बनाते हैं एक बढ़िया सा बाइट। बढ़िया, इसमें कोई घी नहीं है, कोई मक्खन नहीं है, लेकिन माशाल्लाह टेस्ट बढ़िया है। और इसका जो जायका इन्हेंस हुआ है उसकी वजह यह है कि इसको देखो पकने के बाद, नहारी को प्रॉपर पकने के बाद भी इसको अलग से पकाया जा रहा है, इसके अंदर जो लुआब बना है वो अभी जो इसको कंटिन्यू पका रहे हैं उसकी वजह है। जैसे कि सभी को पता है कि नहारी जितनी ज़्यादा पकाई जाती है उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा इन्हेंस होता है, उतनी ही उसकी थिकनेस बढ़ती है, उतनी ही इसकी नहारी में बॉडी के अंदर जो सॉफ्टनेस होती है वो बढ़ती है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। और अभी तक मैंने यहाँ पर जितने लोगों से बातें की हैं सबका कहना है कि इनकी नहारी बेस्ट है। और आप अगर यहाँ पर आते हैं, अगर आप नहारी लवर हैं, यहाँ पर आते हैं नहारी खाते हैं तो आप सेटिस्फाई होकर जाएंगे। अगर आपको नहारी नहीं खानी है तो और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन आप सभी को पता है कि मुझे नहारी सबसे ज़्यादा पसंद है। एक बार आप यहाँ पर आइए, नासिर भाई को खिदमत का मौका दीजिए, इनकी नहारी खाइए, पाया खाइए और बहुत सारी आइटम है, कुछ भी खाइए, लेकिन एक बार आपको यहाँ पर आना ही चाहिए अगर आप फूडी हैं तो। आपको आना कहाँ पर है इनका प्रॉपर एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डालूंगी। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, आपको नहीं समझ आ रहा है एड्रेस, तो आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और बात करें यहाँ के नियर बाई मेट्रो स्टेशन की तो वो होगा अपना ये चावड़ी बाज़ार वाला। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ। ये देख नहारी का स्पाइसी होना भी बहुत ज़रूरी है और ये स्पाइसी है। देखिए एक ही चीज़ को, एक ही काम को करते करते इनको इतना टाइम हो गया है कि लगभग 90 साल हो गए। इनके फादर भी यही करते थे, फादर के फादर भी इसी लाइन में थे, यही काम करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को इनकी नहारी या इनका खाना पसंद है, तभी ये इतने टाइम से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। देखिए ये अभी हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं खीरी। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए तवे पर बनाई गई खीरी है ये। खीरी और कलेजी, कलेजी का बहुत कम यूज़ किया गया है, अगर आप डिमांड करते हैं कलेजी की तो वो आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको ये खीरी ही मिलेगी। ये काफ़ी गर्म है,
बढ़िया है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये, इससे ज़्यादा स्पाइसी मुझे नहारी के अंदर फील हो रहे हैं, इससे ज़्यादा बहुत ही लाइट स्पाइसेस है इसके अंदर। बाकी ये तवे पर बनाई गई है और काफ़ी अच्छे से गल भी गई है। ये देखो, ट्राई करते हैं इसका मसाला थोड़ा। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि इसमें स्मेल नहीं है, खीरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, यूजली मैं खाती भी नहीं हूँ, इसकी स्मेल होने की वजह से। बाकी इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं है, खा सकते हैं आप इसको। मैंने यहाँ पर खाना खाया है, माशाल्लाह खाना काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि खाना तो हर कोई ही खाता है, लेकिन एक खाना खाया जाता है शौक़ के लिए और एक खाना खाया जाता है ज़रूरत के लिए। शौक़ के लिए जो खाना खाया जाता है वो अलग होता है और जो ज़रूरत के लिए खाना खाया जाता है वो अलग होता है। यहाँ का जो खाना है ये शौक़ के लिए नहीं है, ये ज़रूरतमंद लोगों के लिए है, जैसे मजदूर लोग होते हैं जिनको डेली बाहर का ही खाना होता है, फैमिली इनकी कहीं और रहती है, बहुत कम प्राइस में उनको डेली खाना खाना होता है, तो ये उस तरह का ही होटल है। यहाँ पर आपको 40 रुपये में 45 रुपये में फुल सालन मिल जाता है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 40 रुपये में 50 रुपये में आप यहाँ पर डेली पेट भरकर खाना खा सकते हैं। तो खैर, खाने में टेस्ट भी है और खाना सस्ता भी है। जैसे मैंने बताया कि जितने भी मजदूर यहाँ आसपास में रहते हैं सब लोग डेली यहाँ पर आते हैं और डेली यहीं पर खाना खाते, यहाँ का खाना वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर डेली वाले लोग ज़्यादा आते हैं खाना खाने के लिए, वो चीज़ थोड़ा अलग साइड में करके, अगर आप नहारी लवर हैं, अगर आप एक अच्छी नहारी खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि नहारी का जो असली टेस्ट होता है वो जब तक अच्छा लुआब नहीं बनता उसके अंदर तब तक वो नहीं आता। इस तरह से नहारी अलग पकाई जाती है, नहारी बनने के बाद ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। बाकी एक बार आप मेरे कहने से यहाँ पर ज़रूर आइए, आग वक्त कुछ ना खाना चाहें तो एक बार नहारी ज़रूर ट्राई करिएगा यहाँ पर आकर। तो सर कुछ कहना चाहते हैं आप आए बहुत अच्छा लगा, और आप ये बताइए आपने बहुत जगह की नहारी खाई होगी, हमारा नहारी लाकर कुछ यूनिक सा लगा आपको या नहीं? हाँ, थोड़ी मुझे अलग लगी, बाकी जो मैंने नहारी खाई है उससे थोड़े से स्पाइसी इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा है, और स्पाइसी भी ऐसे हैं कि वो आपको जलन महसूस नहीं कराएंगे। कुछ स्पाइसी इस तरह के होते हैं कि आप जिस तरह बाइट खाते हैं वो पूरा अंदर तक वो जल जाता है, उस तरह के नहीं है। और जो ये जो इसके अंदर जो गोश्त यूज़ कर रहे हैं वो प्योर अदले का और बोंग का गोश्त यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर मजदूर लोग आ रहे हैं खाना खाने के लिए तो उनके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करा जा रहा है। अच्छा गोश्त वो दिखा रहे हैं, गोश्त की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये अदला और ये जो बोंग होता है ये नहारी की जान होती है, और उसके बाद इस नहारी को काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर पकाया जाता है। पकने के बाद भी कंटिन्यू इस तरह से आप देख सकते हैं ये कंटिन्यू किसी तरह से पकती रहती है। यहाँ पर भी कोई नहीं है नहारी खरीदने वाला, लेकिन फिर भी इसी तरह से स्लो फ्लेम पर इसी तरह से कंटिन्यू पकती रहती है, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। बाकी आप यहाँ पर इस वाले सेटअप पर आपको यहाँ पर पाया मिलेगा, नहारी मिलेगी, मटन भेजा मिलेगा, जो यूजली एक अच्छे नहारी वालों के पास होता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप अगर यहाँ पर मेट्रो से आना चाहते हो तो यहाँ का नियर बाई मेट्रो स्टेशन है चावड़ी। अच्छा मुझे यहाँ पर लगा वो ये तरीका लगा कि सुबह 9 बजे से जिस नहारी को प्रोसेस शुरू होता है, सुबह 9 बजे से जो इस नहारी के पकाने का प्रोसेस शुरू होता है तब से लेकर जब तक वो आपके प्लेट तक नहीं पहुंचती तब तक ये इसी तरह से कंटिन्यू पकती रहती है। तो खैर, इसी के साथ इस वीडियो को करूंगी मैं यहीं पर खत्म। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैमिली मेम्बर दोस्तों का शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं रिकमेंड करूंगी आपको यहां पर नहारी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, सिर्फ नहारी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी। एक बार यहां पर ज़रूर आइए। जिंदाबाद।